खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रदेश में फिर से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 3 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। अभिषेक खन्ना कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी के आयुक्त बनाए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें प्रदेश में फिर से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, जहां 3 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। अभिषेक खन्ना कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी के आयुक्त बनाए गए हैं। 3 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। इससे पहले भी प्रदेश में काफी सारे प्रशासनिक फेरबदल देखे गए थे, और एक बार फिर से अब एक प्रशासनिक फेरबदल देखा गया है, जिसमें 3 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। अभिषेक खन्ना को कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी के आयुक्त के रूप में अब आगे कमान संभाल ली है। तो प्रदेश में एक बार फिर से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, जिसमें 3 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। अभिषेक खन्ना को कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी के आयुक्त के रूप में चुना गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता वीरेंद्र सिंह शेखावत जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, प्रदेश में एक बार फिर से प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, या फिर लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, उसी दौरान आप देखेंगे तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी से उधर किए जा रहे हैं। इसके अंदर आप देखेंगे घनेन्द्र पान चतुर्वेदी है, जिन्हें संभागीय आयुक्त सीकर के पद पे सीकर में नियुक्त किया गया। वहीं अगर मैं बात करूं जगजीत सिंह मोंगा, जो कि निर्देशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के ऊपर संयुक्त सचिव एवं पंचायती राज विभाग के अंदर उन्हें जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा अभिषेक खन्ना की बात की जाए तो इसके अंदर आयुक्त कोटा विकास प्राधिकरण के तौर पे उन्हें जिम्मेदारी दी गई। इसके साथ साथ आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि इसमें वंदना सिंह भी 2008 के बेस की आईएएस है, उन्हें संभागीय आयुक्त बीकानेर के पद पे कार्य के साथ साथ उन्हें जो संभागीय आयुक्त सीकर की जो पद पर जो अतिरिक्त कार्यभार की जो आगामी आदेशों तक जो आदेश दिया गया था, उसके अंदर कहीं ना कहीं आप देखेंगे तमाम ये जो प्रशासनिक फेरबदल हो रहे हैं, उसके अंदर 3 आईएएस के ट्रांसफर किए गए। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि जो आरपीएस के जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा जो है, उसके अंदर भी कईयों के जो ट्रांसफर है वो उन्हें निरस्त किए गए। इसमें देखेंगे डॉक्टर राजेश गोयल है, आरएस के जो अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे, उनका उनका जो ट्रांसफर वो रद्द कर दिया गया है। जी बिल्कुल जी, धन्यवाद वीरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए।